नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। एक तो पाकिस्तान की टीम मैदान पर खेल नहीं पा रही है, खिलाड़ी प्रदर्शन कर नहीं पा रहे, टीम मैच जीत नहीं पा रही। आलम यह है कि पिछली कई सीरीज ये टीम हार चुकी है, तो खिलाड़ियों का मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामलों में फंसना भी टीम के लिए बड़ी समस्या बनी हुई। ये समस्या ऐसी है कि पाकिस्तान के किसी न किसी खिलाड़ी का नाम हर साल सामने आ ही जाता है, लेकिन अब एक और नाम सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज नासिर जमशेद को T20 स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी पाया गया है। जमशेद पर साथी क्रिकेटरों को रिश्वत देने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। खास बात यह है कि नासिर ने अपना दोष मान भी लिया है। 33 साल के पाकिस्तानी क्रिकेटर पर इंग्लैंड की एक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, लेकिन सोमवार को उन्होंने अपनी याचिका बदल दी। इस मामले में बाकी आरोपियों यूसुफ अनवर और मोहम्मद एजाज ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही जमशेद द्वारा घूस देने की बात मान ली थी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि 2016 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी फिक्सिंग का प्रयास किया गया था, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग 2017 में कई मैच फिक्स किए गए। दोनों मामलों में सलामी बल्लेबाज ने एक ओवर की पहली दो गेंदों पर रन नहीं बनाए थे और इस काम को करने के लिए जमशेद को पैसे मिले थे। इस पूरे मामले में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी की वजह से 2016 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग के प्रयास और फिर फरवरी 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग में मैच फिक्सिंग का खुलासा हुआ। पाकिस्तान के लिए 60 मैच खेल चुके जमशेद को पिछले साल क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट की जांच के बाद 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। जमशेद पर आरोप है कि उन्होंने PSL में 9 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी के बीच दुबई में खेले गए मैच में खिलाड़ियों को फिक्सिंग के लिए उकसाया था। तो कह सकते हैं कि एक तरफ तो लगातार हार और दूसरी तरफ फिक्सिंग के आरोपों से पाकिस्तान क्रिकेट पर धब्बा लग रहा है।